आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशा। हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र स्थित चट्टी बारियातू में लगभग 50 दिनों से धरने पर बैठे ग्रामीण उस वक्त भागने लगे जब उन पर पुलिस लाठी दिखाना शुरू कर दी। वो अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। वहीं विस्थापित ग्रामीण की समस्या को लेकर हजारीबाग के डीसी नैन्सी सहाय एवं एसपी मनोज रतन चौथे और एसडीओ विद्याभूषण कुमार की अध्यक्षता में पहल कर विस्थापित ग्रामीण और चट्टी बारियातू एनटीपीसी कोल परियोजना के अधिकारियों को एक साथ बैठाया। बातचीत के बाद सब मान गए। सहमति के बाद तय हुआ कि ट्रांसपोर्टर के द्वारा वाहन चालक रखा जाएगा। अगर ग्रामीण चाहे तो अपना वाहन ट्रांसपोर्टिंग में लगा सकता है। अगर जिसके पास वाहन नहीं है उसे फाइनेंस कराने में सहयोग कराया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा 10 पुरुष और महिलाओं को ट्रांसपोर्टिंग के लिए गार्ड एवं सहायक के लिए रखा जाएगा। पानी का छिड़काव का काम ग्रामीणों को दिया जाएगा। महिलाओं के कौशल विकास के लिए सिलाई प्रशिक्षण दिया जाएगा एवं उन्हें सिलाई मशीन भी दी जाएगी। महिलाओं को कुटीर उद्योग के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्राम में सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा। मुंडा टोला में शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। ग्रामीणों के विकास से संबंधित कार्य ग्राम सहकारी समिति को प्राथमिकता दी जाएगी। ट्रांसपोर्टिंग के अन्य मार्ग के लिए ग्रामीणों से वार्ता के बाद उचित निर्णय लिया जाएगा।